नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हरनौत पहुंचे थे, जहां उन्होंने उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत किया और इस दौरान नालंदा सांसद कौशलेंद्र कुमार, पूर्व एमएलसी राजू यादव, मनीष कुमार, धनंजय कुमार के अलावा कई नेता मौजूद थे। इस दौरान मंत्री श्रवण कुमार ने राजद नेता तेज प्रताप के द्वारा तिलहारा में घुड़दौड़ा कार्यक्रम में बांसुरी बजाने को लेकर चुटकी लेते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सभी लोगों की खिदमत की है, अगर कोई मजदूरी नहीं करेगा उसको कौन मजदूरी देगा। सिर्फ बांसुरी बजाने से आपको मजदूरी नहीं मिल जाती है। क्या सुनिए क्या कुछ श्रवण कुमार ने तेज प्रताप यादव पर तंज कसते हुए तमाम बातें कही हैं। पहुँचा दिया सबका, हम लोगों ने खिदमत किया तो मजदूरी तो उसको मिलता है जो काम करता है। जो मजदूरी नहीं करेगा उसको कौन मजदूरी देगा। काम अगर किसी के घर में नहीं करेगा, उनके खेत में नहीं करेगा, तो उनको तो मजदूरी सिर्फ बांसुरी बजाने से तो नहीं कोई दे देगा। बांसुरी बजाने वाले लोग तो बहुत आए, बहुत चले गए, लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूँ, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जवान आएगा। उन्होंने बांसुरी बजा के चुनावी संघात का भी घोषणा किया है, तिलहाड़ा घुसौर। अरे भाई, तरह तरह का चीज़ लोग चलाते रहते हैं और कुछ लोग देखने के लिए भी जाते हैं, कुछ लोग समझने के लिए भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वोट डालने के लिए गए हैं, उनके नेतृत्व में गए हैं। ये भीड़ इकट्ठा करने का काम किया, आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, भीड़ जमा करने में तो सबसे ज़्यादा वामपंथी पार्टियाँ देश भर में भीड़ जमा करती है, लेकिन आज तक वामपंथी पार्टी ने देश में सरकार बनाया, आज छिटपुट कई राज्यों में सरकार बनाया, वो भी चंद दिनों के लिए सरकार बनाई और चली गई। सरकार तो वो बनाएगा, सरकार तो उनकी रहेगी जो जनता के दिल को जीतने का काम करते हैं। जैसे हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी बिहार में जो काम किए हैं वो सबके लिए किया, न किसी जाति को छोड़ा, न किसी धर्म को छोड़ा, न किसी मजहब को छोड़ा, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। तो फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए देखते रहे न्यूज 111। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।